हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। कैसे हैं आप सब? और मैं साहिल खंडेलवाल प्रेजेंट कर रहा हूं अब रेलवे दूर नहीं गाइस। और आज हमारी 8th क्लास है मैथ्स की, तो कोई घबराए नहीं, किसी का कुछ भी नहीं छूटेगा। पुरानी क्लास को आप देखते रहिएगा, आज कुछ नया सीखेंगे, कुछ डेसिमल्स की ट्रिक सीखेंगे, सबके लिए नया लेक्चर है। तो आप सबका स्वागत है गाइस, बहुत बढ़िया, सब लोग जुड़ चुके हैं मुझसे, बहुत अच्छी बात है। सबको प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे और सारी ट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, सबसे पहली बात तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ पाएंगे उतना मैं ट्रिक्स को साथ में लेके चल पाऊंगा। बीच में जुड़ते हैं फिर लगता है कि सर कुछ छूट गया, सर ऐसा हो गया, सर ऐसा हो गया, तो ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है। तो सब मेरे साथ में चलना चाहते हैं तो साथ में चलिएगा। जी हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। इससे पहले हम होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। जो मैंने ट्रिक बताई थी उसको आज लास्ट में और क्वेश्चंस करेंगे, तो कहीं भी वीडियो छोड़ के ना जाएं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, सेशन होने वाला है आप सबके लिए। तो आपको पता है 5 बजे आपको सिर्फ यहाँ पर आ जाना है, सिर्फ 5 बजे आ जाइए और मेरे साथ 1 घंटे मैथ पढ़िए जम लगा के, ठीक है? चलिए, सबको राम राम, गुड इवनिंग और नमस्कार, आपका स्वागत है वाईफाई स्टडी में, ठीक है? तो होमवर्क क्या था? 887 × 999 ये था, ये होमवर्क था। कैसे करना है? बहुत आसान हो गया, कैलकुलेटर सभी फास्ट। इसमें माइनस वन किया तो कितना आ जाएगा? 886। अब कुछ स्टूडेंट गलती ये कर रहे हैं कि इस 9 को इसमें से घटा रहे हैं, ऐसे नहीं, इस वाले में से घटाना है। 9 में से 8 गए तो 1, 9 में से 8 गए तो 1 और 9 में से 6 गए तो आपके पास आ जाएगा 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 886112, ठीक है? जी हाँ, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके आंसर्स देखकर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या था उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर अपने टॉपिक को आगे लेके चलेंगे, डेसिमल की ट्रिक पढ़ने वाले हैं। सॉरी गाइस, तो अगला प्रश्न है आपके सामने 368 × 999, ठीक है? तो ये प्रश्न है, ठीक है ना? तो आपके सामने सिलेबस में बताने वाला हूं, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, सिलेबस में डिस्कस करने वाला हूं। माइनस वन किया 367 हो गया, 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 6 गए तो 3 एंड 9 में से 7 गए तो 2, आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है? 367 637 632, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है अच्छे से। जी हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया गाइस। अब अगला प्रश्न ले रहा हूं, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो इस प्रश्न में समझ जाएंगे, ठीक है? अगला प्रश्न ये है 056 × 999। अब आप कहोगे कि सर आपने ये जीरो क्यों लगा रखा है? बिल्कुल सही सोचा आपने कि ये तो 56 × 999 है ना, आपने जीरो क्यों लगा रखा है? देखिए, जीरो 56 लगाओ या फिर जीरो मत लगाओ, रहेगा तो 56, ठीक है? संख्या के आगे जीरो जीरो कितने भी लगा दो, इसकी वैल्यू 6 ही रहती है। संख्या के पीछे जीरो लगाओगे तो ये 60 बनेगा, 600 बनेगा और 6000 बनेगा, तो आगे कितनी भी जीरो लगा सकते हो। और मैंने जीरो क्यों लगाई? क्योंकि मुझे इसके बराबर करना था, ठीक है? तो मैंने माइनस वन किया तो ये कितना हो गया? जीरो 55 हो गया। 9 में से जीरो गए तो, क्योंकि हमें जितनी डिजिट हैं उसमें से तो घटाएंगे, तो 9 में से जीरो गए तो 9 आ जाएगा, 9 में से 5 गए तो 4 आ जाएगा, 9 में से 5 गए तो 4 आ जाएगा, ठीक है? जी हाँ, सबके हाँ। तो मैं बहुत अच्छे से ट्रिक बताने वाला हूं। आज जो टेंशन चल रही थी ना, कई बच्चों के डाउट थे कि सर 9 ज्यादा हो गए तो, यहां पे कुछ और नंबर आ गया तो, इतने बड़े बड़े गुणा करोगे आज, इतने बड़े बड़े गुणा कर पाओगे सिर्फ बिना कैलकुलेटर के 2 सेकंड में, मैं बोल रहा हूं ना। तो पूरा लेक्चर देखें और सारे के सारे लोग जुड़े रहें और एक साथ सब लाइक करें। मैं देख रहा हूं 1800 के करीब बच्चे देख रहे हैं और जो नए बच्चे हैं वो मेरे से जुड़े रहे, ठीक है? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, उससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि 5 बजे सर की क्लास आने वाली है, सर क्या पढ़ाएंगे आज, इसलिए बोल रहा हूं, है ना? चलिए, तो ये सब चीजें समझ में आ गई आपके। अब मैं आपके सामने सिलेबस बता रहा हूं, देखिएगा,
ये सिलेबस आपके सामने आने वाले हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट है हमारा जो हम कर रहे हैं। हमने बोर्डमॉस रूल पढ़ लिया है, भिन्न भी खत्म कर लिया है, आज डेसिमल्स भी खत्म कर देंगे, कुछ जो बचेगा वो कल पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट लेके आऊंगा अगला। तो ये पहला पार्ट है आपका, ठीक है, ये आपका पहला पार्ट है जो मैं कराने वाला हूं। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट मैं कराऊंगा, ठीक है जी हाँ। उसके बाद ये सेकंड पार्ट आपके सामने आ ही चुका है, तो जल्दी से इसको फटाफट से देख लें, जल्दी से फटाफट से देख लें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक मैं आपके कवर कराऊंगा, मैंने लगभग सारा सिलेबस कवर करवाने का सोचा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, सारे चैप्टर्स कवर होंगे, सारे लिए हैं मैंने, एक एक सिलेबस का चैप्टर लिया है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब पार्ट थर्ड की तरफ चलते हैं, तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में ये जो आपकी एडवांस गणित है, जिसको हम एडवांस मैथ बोलते हैं, इसको मैं करवाऊंगा तीसरे पार्ट में। जो ये टॉपिक है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये सारे टॉपिक, ठीक है, चलिए, है ना। तो ये आपका सिलेबस है, इस तरीके से आपको मैंने बता दिया है सारा। अब सारे लोग जुड़ जाएं और ध्यान दें मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत अच्छी चीज है। क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लिख रहा है ना, क्वेश्चंस भी करेंगे, तो कोई कहीं छोड़ के नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको लिखा है डेसिमल, डेसिमल, अब अपन डेसिमल ही पढ़ रहे हैं, डेसिमल मतलब होता है दशमलव। अब सबसे बड़ी बात है, जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं उसके नाम तो जान लो भाई, क्या क्या होते हैं और कैसे इनका आंसर दे पाएंगे। चलिए, तो डेसिमल हमने दो तरीके से डिवाइड किए हैं, दो तरीके से डिवाइड किए हैं डेसिमल। एक क्या होता है हमारा शांत दशमलव, क्या बोलते हैं, शांत दशमलव इसको बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। अब आप बोलोगे कि सर टर्मिनेटिंग डेसिमल, मैंने पहले यह बता रहा हूं आपको कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है, शांत दशमलव होता क्या है। जो जो अपने मेरे देखिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं कुछ बच्चे, तो चीजें समझते हुए चले। देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल और शांत दशमलव क्या होता है, इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं लिखता हूं चार बटे पांच, मतलब मैंने लिखा दो बटे पांच लिख दिया, अब दो बटे पांच लिख दिया, अब मुझे इसे दशमलव में बदलना है, तो कैसे बदलूंगा, पांच को मैं क्या करूंगा, पांच को मैं लिखूंगा दस बटे दो, ऐसे लिख दिया, तो ये कितना हो गया चार बटे दस। अब एक जीरो है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा भाई। पांच को मैंने, सॉरी दो बटे पांच को मैंने, पांच को लिखा मैंने दस बटे दो, ये मेरा आया चार बटे दस, 0.4 लिख दिया। अब ये दशमलव यहां पे खत्म हो गया, इसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा, 0.4 पे ये खत्म हो गया ना, तो ये हमारा क्या है, शांत दशमलव है। शांत का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, ज्यादा उड़ेगा नहीं, ये सीधी सी वैल्यू आ गई इसकी 0.4, ठीक है, समझ में आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस प्रकार मैंने एक एग्जांपल लिया 7/8, भाग देना भी सिखाऊंगा, देखना भाग देना भी सिखा रहा हूं। अब 7/8 को आपको भिन्न उसमें बदलना है, दशमलव में बदलना है, कैसे बदलोगे, सर हमें तो नहीं पता कैसे बदलते हैं, तो क्या करना है, मैंने देखा कि मुझे पता है कि भाई 7 में तो 8 का भाग जाएगा नहीं, तो मैंने आपसे ये कह दिया कि आप ऊपर दो जीरो लगा दो और नीचे भी दो जीरो लगा दो, भाई जीरो से तो जीरो काट देते हैं ना, कोई बुराई थोड़ी है लगाने में, लगा दिया दोस्तों, ठीक है जी हाँ। चलिए, अब ये लगा दिया मैंने, अब मैंने कहा कि पहले अब मैं जीरो को छोड़ देता हूं, क्योंकि अभी तो जीरो को छोड़ देते हैं, 8 से भाग देते हैं 700 में, अब तो दे सकते हो ना 700 में 8 से भाग, तो मैंने दिया 8×8=64 और 8×9=72, तो 8 बार चला गया, 8×8=64 हो गया, तो मेरे पास कितना बचा, 6 बचा, तो 60 हो गया, 8×7=56, फिर कितना बचा मेरे पास, 4 बचा और 8×5=40, ये आया मेरे पास। जब मैंने 700 में 8 का भाग दिया तो मेरे पास कितना आया, 87.5 आया, यही तो आया 87.5, और नीचे 100 भी तो है, अब एक छोड़ के पॉइंट यहां पहले से ही है, तो अब दो छोड़ के और लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे दो जीरो हैं, नीचे दो जीरो हैं, तो कितना आ जाएगा 0.87.5 भाई, अब तीन छोड़ के पॉइंट हो गया ना, क्योंकि एक छोड़ के तो पहले ही था और दो छोड़ के मैंने अब लगा दिया। हाँ जी, सबके आ रहे हैं, हाँ, तो इस तरीके से मैंने भाग देना भी सिखाया, और यहां पे क्या हो गया, अब बंद हो गया ये दशमलव खत्म, पूरा पूरा भाग चला गया, तो उसको क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। समझ में आ गई, तो सब एक साथ लिखें, सर ये चीज समझ में आ गई, हाँ। तो अब मैं आपको अगली स्टेप पे लेके चलूंगा, जो कि सबसे खतरनाक है और इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई गाइस, सब एक साथ यस लिख के भेजें, मुझे बहुत खुशी होगी, चलेगा। अब चलते हैं अपने अगले टाइप पे, जो अगला प्रकार है इसका, देखिएगा अगला प्रकार सबसे ज्यादा खतरनाक है।
अब अगला प्रकार क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जो रुकते नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब लगातार चलते रहेंगे, अनंत तक चलेंगी भिन्न, ठीक है। चलिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान देना दोस्तों, कोई भी नहीं जाएगा क्लास छोड़ के आज, बहुत बढ़िया, भरोसा रखो। कोर्स खत्म करवाऊंगा, पूरा खत्म करवाऊंगा, सारे क्वेश्चंस कवर करवाएंगे, ठीक है। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, ये आपका क्या है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, मतलब रुकेगा नहीं, अशांत दशमलव कह देंगे इसको, क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव, इसको बोलेंगे अशांत दशमलव। अब नाम से ही पता लग रहा है कि भाई रुकेगा नहीं, टर्मिनेट नहीं होगा, तो इसको भी हमने दो भागों में बांटा है, इसको भी हमने दो भागों में बांटा है। ये होता है आवर्ती, आवर्ती मतलब शुद्ध आवर्ती। मैं सब कुछ लिखने वाला हूं, सब अपने नोट्स भी बना ले साथ के साथ, और आगे समझाने भी वाला हूं। प्योर रिकरिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल, है ना, प्योर रिकरिंग डेसिमल्स। और ये तो हो गया शुद्ध आवर्ती दशमलव, ठीक है। अब अगला वाला क्या है, मिश्रित आवर्ती दशमलव, क्या है, मिश्रित आवर्ती दशमलव। तो बात वही है, इसको इंग्लिश में क्या लिखूंगा, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। अब सर आपने लिख तो दिया, ये है क्या चीज, ये तो बता दो पहले, यही प्रश्न होगा आपका। तो बस अब मैं वही बताने जा रहा हूं कि पहली बात तो ये किसके प्रकार हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के हैं, अशांत दशमलव के प्रकार हैं। अशांत दशमलव मतलब रुकेगा नहीं भैया, बात तो वही है ना। तो पहले देखते हैं शुद्ध डेसिमलव क्या होते हैं, शुद्ध आवर्ती दशमलव क्या है, ये देखते हैं। अगर मैं आपके सामने ये लिखता हूं, देखिए इस प्रकार मैंने लिखा, मैंने आपके सामने लिख दिया 1/3, मैंने आपके सामने लिख दिया 1/3, ये लिख दिया। अब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.3333 अनंत तक चलेगा भाई, 0.333 अनंत तक चलेगा। और इसमें क्या बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें रिपीट क्या हो रहा है, तीन रिपीट हो रहा है ना, रिपीट क्या हो रहा है, तीन ही तो हो रहा है, और पॉइंट के जस्ट बाद से रिपीट हो रहा है, और वही एक नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, शुद्ध और मिश्रित में अंतर बताऊंगा आपको, लेकिन ध्यान से सुनोगे तब। देखिए, पॉइंट के बाद तीन आ रहा है, अब यही तो बार बार रिपीट हो रहा है, यही तो बार बार दोहराया जा रहा है, तो आवृत्ति मतलब बार बार दोहराना, आवृत्ति मतलब लगातार एक एक करके, है ना। और पॉइंट के जस्ट बाद तीन तीन एक ही नंबर आ रहा है, तो मैं इसको 0.3 उसके ऊपर एक टोपी लगा दूंगा। अब इस टोपी का मतलब पता है क्या है, इस कैप का मतलब है इस तीन की पुनरावृत्ति हो रही है, बस। चीज समझ में आई, कि अगर मैं ये लिखता हूं 0.3 टोपी, कैप बोलते हैं इसको, बार बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, 0.3 ही रिपीट हो रहा है हमेशा, ठीक है। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना आप सब लोग, मेरे सारे दोस्तों, मेरे भाइयों, देखिए अगर मैं ये लिखता हूं 0.7 बार, इसका मतलब क्या है, बताइए जल्दी बताइए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.7777, यही है ना, जी हाँ, चीज समझ में आ रही है, हाँ, तीन के ऊपर बार। अगर मैंने ये लिख दिया 0.67 बार, मैंने ये लिख दिया 0.67 बार, इसका मतलब बताइए सब लोग, हाँ, इसका मतलब सब लोग बताइए, हाँ जल्दी से बताइए, जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को जल्दी से बताइए दोस्तों, 0.67 बार का मतलब क्या है, सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया, साथ रिपीट होगा, सही बात है, इसका बताइए अब, क्योंकि ये तो समझ में आ गया, बार जिसके ऊपर लगेगा वो बार बार रिपीट होगा, बार जिसके ऊपर लग गया बार बार रिपीट होगा, ऐसे याद रख सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, विनय का आंसर सही आ रहा है, सबके आंसर। देखिए इस टोपी किसके ऊपर है, किसके ऊपर टोपी पहनाई है, तो बस वही चक्कर लगाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, कैसे याद रखोगे, यार मैंने इसके ऊपर टोपी पहनाई है, यही रिपीट होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 0.6777, क्योंकि 6 के ऊपर टोपी थोड़ी ना है, अगर ऐसे होता 0.67 के ऊपर होता तो ये क्या होता पता है, शुद्ध आवृत्ति होता, क्योंकि 67 ही रिपीट होता बार बार, 0.67 ऐसे आता, समझ रहे हो मेरी बात, चीजें क्लियर हो रही है, तो सब समझ में आ रहा है, तो अगर एक के ऊपर है तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया शुद्ध आवर्ती, है ना, समझ में आ गया सबको, जी हाँ सबको समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं हम अपने मिश्रित आवर्ती दशमलव पर। मिश्रित आवर्ती दशमलव मतलब क्या होता है सर, ये तो बता दो, चलिए बताते हैं।
अगर कोई भिन्न ऐसे लिखी हुई है 17/45 भाई ऐसे लिखी है भिन्न, और इसका मतलब क्या होता है 0.3777 ये होता है ना, तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मिश्रित आवर्ती दशमलव। तो ये क्या था हमारा, मिश्रित आवर्ती दशमलव ही था, चीज समझ में आई, ये क्या था मिश्रित आवर्ती दशमलव था, और ये क्या था हमारा, ये हमारा था शुद्ध आवर्ती दशमलव। क्यों, क्योंकि पॉइंट के जस्ट बाद से ही संख्या रिपीट हो रही है। अब दोनों में अंतर समझ में आ गया, हाँ दोनों में अंतर समझ में आ गया, जी हाँ। तो बार का मतलब है बार बार रिपीट करना, ठीक है, किसी भी नंबर को बार बार रिपीट करना, जी हाँ सबको समझ में आ रहा है। तो ये समझ में आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.3 तो रहेगा लेकिन बार किसके ऊपर आएगा, 7 के ऊपर आएगा। तो ये आपका क्या है, मिक्स्ड रिकरिंग फंक्शन है, ठीक है, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है, मिक्स्ड है, गॉट इट, सबको समझ में आया। अब कुछ करते हैं, ये चीजें क्लियर हो गई, अब करते हैं अपने ट्रिक सीखते हैं जिसके लिए आप यहां पे हो सब। अब डाउट क्लियर हो रहा है और नहीं है तो मेरे को बताएं डाउट क्लियर है या नहीं है। हाँ तो ये राजेश कुमार कह रहे हैं कि ये पता है सर, है ना, तो राजेश भाई सबको लेके चलो ना भाई, मैंने किसी को लिए, मुझे पता नहीं ना यार आपको मैं देख नहीं पा रहा और मैं कर नहीं पा रहा, लेकिन मैं पॉसिबल करता हूं कि हर किसी को समझ में आए दोस्त, हर किसी के पास ये चीजें नहीं अवेलेबल हो पाती, तो प्लीज मेरा कोऑपरेट करो बस। चलिए अब चलते हैं अपने अगले ट्रिक्स की तरफ कि मैं क्या पढ़ाने वाला था आज आपको और क्या पढ़ाऊंगा। चलिए तो देखिए, बस मैं आपसे यही कहूंगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि अगर रेलवे आपको चाहिए, नौकरी चाहिए रेलवे की, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, मैं आपकी पूरी तैयारी करवाने वाला हूं गणित की, है ना, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, ठीक है। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न लिख रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पर, मुझे आप खुद बताना जिससे कि मेरा डाउट क्लियर होगी कि सबको समझ में आया है नहीं आया। मैंने लिखा 0.8 बार, ठीक है, मैंने लिखा 0.87 बार, ठीक है, मैंने लिखा 0.978 बार, ठीक है, ये लिखा। तो अब मुझे बता दीजिए आप 0.987 बार, ठीक है, ये। अब इन तीन चारों में अंतर क्या है ये बताइए, पॉइंट है, पॉइंट है। अब इसमें से मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा तो मिश्रित है, मैं इनको नंबर दे रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो मेरे को बस ये बता दीजिए कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध डेसिमल है और कौन सा मिश्रित है, बस इतना बता दीजिए, मुझे संतुष्टि हो जाएगी आपको सबको समझ में आ गया, ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए बस मुझे ये बताना है कि सर कौन सा इसमें डेसिमल है और मतलब कौन सा मिक्स्ड है और कौन सा हमारा शुद्ध है, प्योर है, चलिए बता दीजिए सब। हाँ देखिए ऐसे बता दीजिए कि सर पहला और ये है या ये नहीं है, ऐसे बता दीजिए। हाँ सबके आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर भी आ गया कि पहला और चौथा, पहला और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ हमारे क्या हैं, प्योर हैं, मतलब शुद्ध हैं, शुद्ध डेसिमल हैं, ठीक है, शुद्ध डेसिमल हैं, और दूसरा और तीसरा हमारे क्या हैं, मिक्स्ड हैं, मतलब मिश्रित हैं, ठीक है, मिश्रित डेसिमल हैं, सही है, जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ गए। क्यों है, क्योंकि दशमलव के सीधे बाद से ही बार लग गया, पहली कंडीशन, और देखिए इसमें लग रहा है कि दशमलव के सीधे बाद, नहीं लग रहा, इसमें तो सात पे लग रहा है, तो ये नहीं होगा, प्योर नहीं होगा, ये इसमें मिश्रण हुआ है, ठीक है, ये इस प्रकार, इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही है, चलिए, है ना। अब चलता हूं मैं आगे लेके चलता हूं, ट्रिक पे चलते हैं, अब कुछ सीखने का वक्त आ गया है, अब मैं आपको सिखा रहा हूं टू कन्वर्ट रिकरिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन, ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगा आवर्ती दशमलव को भिन्न में कैसे बदलना है, प्रश्न पूछे जाएंगे, आज आप बताओगे आंसर, ठीक है। चलिए तो मैं आपको हिंदी में भी लिख देता हूं क्या टॉपिक है ये, आवर्ती, अपने हेडिंग डालने अपने नोट्स में सब लोग, ठीक है, आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न में बदलना, बहुत अच्छा है, अगर अब किसी ने ध्यान नहीं दिया ना तो छूट जाएगा, मेरे पे वेटेज बता देंगे, कोई दीपक अभी पढ़ लीजिए यार, वेटेज बताने का टाइम नहीं है, अभी पढ़ने का टाइम है, तो मैं यही कहूंगा कि किसी का छूट जाएगा तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन समझ लेना दोस्तों, बहुत ढंग का कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं,
अब आपको पता है 0.68 है मेरे पास, इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। भाई बार तो लगेगा ही, क्योंकि इसमें आवर्ति की बात की गई है, तो बार तो लगेगा भाई। ठीक है, अब मुझे इसको साधारण भिन्न में बदलना है। ध्यान देना सब, अब इसने टोपी किसके ऊपर पहना रखी है, पॉइंट के जस्ट बाद अगर टोपी होती है तो प्योर होता है ना। तो आपको क्या करना है, इसको भिन्न में बदलना है ना भाई, आवर्ती दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना है। ध्यान देना, सब चीज बता रहा हूं आपको, क्या करना है, आंख बंद कर लेनी है, और 68 है ना, पॉइंट है तो पॉइंट को भूल जाओ। आपको 68 का 68 लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि जिसके ऊपर छतरी है ना उस पर ध्यान दो, 68 का 68 लिख दिया, और जिसके ऊपर जो बार लगा हुआ है ना वो 99 देके जाएगा। 99 कितने, 9 देके जाएगा, हर एक अंक 9 देगा, तो इससे भी 9 आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया डायरेक्ट। इसको कैसे लिखोगे, 68/99। चीजें ट्रिक है, ध्यान से समझना, 68/99। अब मैं बता रहा हूं आपको कैसे, दोबारा से देखना। अगर मैंने लिखा इसको 0.77, ये लिख दिया मैंने, इसको बताइए, जल्दी बताइए, चीजें बहुत सारी हैं बताने के लिए, तो ट्रिक ध्यान से समझें, ट्रिक को ध्यान से समझना कि कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना, दशमलव के बाद बार आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना, तो देखिए कितने अंक पे है, 3 अंक पे बार है, तो यहां पे तीनों अंकों को उतार दिया, क्योंकि तीनों पे बार था अभी। अब 3 अंक पे बार है तो नीचे 3 9 ही आएंगे, जितने अंकों पे बार होता है उतने ही 9 आएंगे, ठीक है। तो 777/999 आ गया, तो इसको मैं 111 से काट दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। अब आप कोई सोच सकता था कि पॉइंट 777 को 7/9 भी लिख सकते हैं, कोई सोच सकता था, नहीं, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए अब और बता रहा हूं, और चीजें बता रहा हूं, ध्यान दें, देखिए अच्छा लग रहा है ना, तो दिल से लाइक करें, अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक करते रहें, मैं आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूं। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन यहां अभी पिक्चर खत्म नहीं होती है, यहां से पिक्चर स्टार्ट होती है। अब पिक्चर में क्या बचा हुआ है, ये देखिए पिक्चर का क्या हाल है, ये देखिए, अगर आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए 2.3 बार, अब ऐसा कुछ आ गया, अब आप कहोगे कि सर 2.3 बार है, इसको क्या लिखेंगे, तो मैंने क्या कहा था कि पॉइंट के बाद वाले से मतलब रखो, ये तो अपना पूर्ण अंक है, मतलब होल नंबर है, ये तो बेचारा अलग ही रहेगा भाई, इसको कैसे लिखता, अगर ये 2.3 होता तो क्या लिखता, 2+0.3 ही तो लिखता। अब इसका क्या कसूर बेचारे का जो इसके ऊपर बार आ गया, तो बस आपको ये भी ऐसे लिखना है, ठीक है। अब पॉइंट तीन बार है तो बार किसके, कितने अंक के ऊपर है, एक अंक के ऊपर बार है ना, तो बार को हटा दो और नीचे पॉइंट भी हटा दो और नीचे 9 लगा दो, बस इतना काम करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 से मैंने इसको काटा, 3 1 3 3 3 9, 2 सही 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। चीज समझ में आई, 3 2 6 7/3 सही उत्तर है ना। मैं दोबारा बता रहा हूं, किसी के समझ में नहीं आया तो देखिए दोबारा बताऊंगा, देखना किसी के नहीं समझ में आया, मैंने क्या किया, 2.3 बार था ना, अब ये तो पूर्ण अंक है तो 2 को तो अलग कर दो ना बेचारे को, इसको क्यों बीच में फंसा रहे हैं अपन, 0.3 बार आ गया, अब वही बात तो बन गई। अब यहां एक के ऊपर बार है ना, तो इसको क्या करोगे, इसको 2+ इसको कैसे करना है भाई, 3 का 3 लिख दिया मैंने, सर ने कहा था कि पॉइंट को कुछ छोड़ दो भूल जाओ, अब 3 का 3 लिख दिया, और बार किसके ऊपर है, एक अंक के ऊपर है, तो नीचे कितना आएगा, जिस अंक के ऊपर बार होता है वही नीचे आ जाएगा, 9 उसका ही 9 आएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसको मैंने सॉल्व कर दिया, सरल भिन्न में बदल दिया, 3 2 6 और 7/3 आ गया, यहां तक क्लियर हो गया, तो सब बताएं यस सर, क्लियर हो गया यहां तक, है ना, हाँ समझ में आ गया, बहुत बढ़िया दोस्तों, अच्छा लग रहा है। और भी क्वेश्चन है, अब देखना, अभी तो चीजें स्टार्ट हुई है, पिक्चर अभी स्टार्ट हुई है मेरे दोस्तों, देखो अब सब में अंतर लेके चलेंगे, अंतर क्या है। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें रख रहा हूं, ध्यान देना, मैंने एक प्रश्न ये रखा, फॉर एग्जाम्पल 0.28, अब पिक्चर बदल गई, अब वो तो क्या थे, प्योर थे, अब दोनों में अंतर देखेंगे, दोनों में अंतर, एक रखा मैंने 0.28 पे ऊपर बार, चलिए अब ये तो हमारा है मिक्स्ड है, साफ पता लग रहा है, क्योंकि दो के पॉइंट के जस्ट बाद बार नहीं है, तो ये हमारा क्या है, मिक्स्ड है भाई, ये हमारा मिक्स्ड है, और ये हमारा भाई पूरा पूरा बार लेके चल रहा है, तो ये हमारा प्योर है, शुद्ध है, ठीक है,
यस, बहुत बढ़िया दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते जाएं साथ के साथ, मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे, ट्रिक भी सीखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। चलिए अब इसमें क्या करना है, अब इसका तो आप दे दोगे सर पॉइंट को, भूल जाना है, सर ने बोला 28 है, अब कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है, तो 99 लगा दो नीचे, बस जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लगा दो। चीज समझ में आ गई, जिनको नहीं आया था वो समझ लें दोबारा कि पॉइंट के बाद अगर सीधा बार आ जाए तो जितने अंकों के ऊपर बार है उतना 99, इतने 9 लगा दो नीचे। ये समझ में आ गया, चलिए है ना। अब इसकी बात करते हैं, ध्यान दे, जो भी स्टूडेंट अब ध्यान देगा उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा, पहले ही बता रहा हूं। अब ये चीज है मिक्स्ड वाली, ये मिक्स्ड वाली मिश्रित वाली है, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, जो ये अंक दे रखा है 28, इसको ऐसे का ऐसे लिख दो, 28 लिख दिया मैंने। अब सर क्या करें आगे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये बताओ बार किसके ऊपर है, बार किसके ऊपर है, एक के ऊपर है, 8 के ऊपर ही तो है बार है, मतलब भाई एक ही अंक है ना, उसके ऊपर ही तो बार है, तो जिसके अंक के ऊपर बार है ना उसको ढक लो हाथ से, ढक लिया, अब बचा कौन, 2 बचाना, तो इसमें से आप 2 घटा दो, इसमें से 2 घटा दो, ठीक है भाई, जिसके ऊपर बार था मैंने वो अंक ढक लिया, तो बचा कौन मेरे पास, 2 बचा, मैंने इसमें से 2 घटा, पहले मैंने ये अंक ऐसे उतार लिया, अब इस जिसके ऊपर बार था मैंने वो ढक लिया और बचा कौन, 2 मैंने लग दिया। अब जिस अंक के ऊपर बार होता है उतने 9 नीचे आते हैं, तो 1 9 नीचे आ गया मेरे पास, भाई 1 तो आएगा ही ना, क्योंकि 1 9 इसका बार का 9 आ गया, भाई ये तो कहेगा मेरा 9 तो मेरे को चाहिए, ये 8 बोलेगा मेरा 9 तो मेरे को चाहिए क्योंकि मैंने बार के रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो ये 2 था ना, 2 कहेगा भाई मेरे को तो 0 ही दे दो, तो जितने अंक यहां होंगे वो 0 ले जाएंगे, अब यहां 2 था तो 1 0 आएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 26/90। अगर अभी भी समझ में नहीं आया कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये तो शुरुआत है, अभी मैं पूरा समझाऊंगा, पूरा समझाने वाला हूं, 26/90 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराएगा नहीं, ठीक है। अब लेते हैं एक और प्रश्न, इसी पे आधारित एक और प्रश्न लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, बता रहा हूं मैं बात, ध्यान दे है ना। अगर मैंने ले लिया, इसको मैं मिटा देता हूं, कोई बात नहीं है, चीजें समझते जाना है ना। देखिए अब मैंने ले लिया 0.1263 ले लिया, और मैंने बार किसके ऊपर लगाया है, इसके ऊपर लगाया है, बात समझना, बार किसके ऊपर है, इसके ऊपर है। अब कैसे करोगे इसको, सर ने बोला था कि जो अंक होता है पूरा का पूरा नंबर उतार लो, मैंने 1263 उतार लिया, भाई ऐसे ही बताया गया मेरे को, तो 1263 उतार लिया मैंने, कोई गलती नहीं की अभी तक, नहीं की। अब सर ने बोला था जिसके ऊपर बार है उसको ढक लो, मैंने इसको ढक लिया, अब कौन बचा, 12 बचा, 12 को घटा दो, अब अपॉन की बात आ गई। अब 63 बोलेगा भाई मैंने बार लिया है मुझे 2 9 दो, क्योंकि मैंने 2 अंक ले रखे हैं, तो इसको मैंने 2 9 दे दिए, अब ये 2 अंक हैं, ये बोलेंगे भाई हमें 0 ही दे दो, तो 2 0 नीचे आ जाएगी, बताओ। तो ये आपका उत्तर हो गया इसका, 1263 - 12 करोगे तो 1251/99 आ जाएगा, और अब इसको 9 से करके देखते हैं, 9 से काट रहा हूं, 9 से गया 1100 बार, 9 से काटा मैंने, 9 एकम 9, 9 और 3 12, तो 9 3 9 क्या हो गया, 9 3 27, ठीक है, और 27, और इसके बाद आ जाएगा आपका 9 8 72, 9 3 27 138। चलिए तो ये 9 से कट रहा है क्या, 9 एकम 9, 9 और 3 12, 3 और 9 3 27, चलिए काट लेना इसको, कट रहा है कि नहीं कट रहा देख लेना भैया ना, इसका आंसर ये आ रहा है बस, 1251/99 आ रहा है, ठीक है, चीज समझ में आ गई, जी हाँ सबके आंसर आ रहे हैं ना, सबको समझ में आ रहा है दोस्त, सबको समझ में आ रहा है। अब अगला प्रश्न करो, जल्दी से करना है, अब ट्रिक समझ में आ गई तो अब देरी किस बात की, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज अभी सब्सक्राइब कर लें तुरंत, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न के लिए तैयार रहो, अगला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, 0.569 के ऊपर बार है, अब करो इसको जल्दी से करो, जल्दी से करो, क्या करना है, सर ने कैसे बताया था वैसे करो, चलिए हाँ पानी पी लेते हैं यार, थैंक यू भाई। ये है, अब क्या कहा था मैंने कि जो संख्या है उसको ऐसे का ऐसे उतार दो, तो 569 को ऐसे का ऐसे उतार दिया। अब सर ने क्या कहा था, जिसने बार ले रखा है उसको ढक दो, मैंने इसको ढक दिया,
माइनस बचा क्या, मैंने इसको ढका तो मेरे पास क्या बचा, 56। 56 को माइनस कर दू बस। अब आते हैं नीचे, अब बार एक संख्या ने तो ले रखा है, तो एक 9 लगा दिया, दो बेचारे ऐसे खाली बैठे हैं तो 2 जीरो लगा दो, बस 2 जीरो लगा दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9 में से 6 गए तो 3, 6 में से 1 513/900 आ जाएगा। हाँ तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, 9 से काटा मैंने, 9 से काट दो उसको, 9 पड़म 45 और बचा कितना 6, 9 7 63, 57/100 इसका सरल अनुपात आ गया, साधारण भिन्न आ गया। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं प्रॉपर, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले ये तो बता दो कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, और दिखा भी दो लाइक करके, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अभी प्रश्न करेंगे, ये छोटी छोटी स्टेज है, अब रेलवे में जो क्वेश्चन आए थे ना वो भी करेंगे, ठीक है जी। हाँ चीजें समझ में आ रही है सबको, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रोज 5 बजे क्लास होती है, आप सब आया करो ना दोस्तों, सब आया करो आप, जिससे क्या कि सब पढ़ पाएं, किसको मनाए भाई, पढ़ लो, यही समय है, और कोई समय नहीं है। आपके लिए मोटिवेशनल क्वेट लेके आया हूं, दिल से चलिएगा, मोटिवेशनल क्वेट देखिए, आपके लिए मोटिवेशनल क्वेट है, देखिए, एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ये सब, ये सारी बात आपके लिए है, ध्यान से पढ़ना इसको, कि एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊंगा, ठीक है दोस्तों, तो ठोकरे जहर नहीं है जो आप खाकर मर जाओगे, उनसे सीखोगे और बढ़ोगे आगे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं, बातें हुई खत्म, अब अगला प्रश्न के लिए हो जाओ रेडी, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न इस प्रकार है, 4.022 के ऊपर बार लगा दिया मैंने, इसका आंसर दो मेरे को, चलिए इसका आंसर दो। हाँ बहुत बढ़िया गाइस, चलिए सबका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है आप सबको देख के यहां पर, ठीक है जी। हाँ चलिएगा, तो वही बात है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 4 को क्यों खामोखा झगड़े में घसीटते हो, ये तो बेचारा सन्यासी आदमी है, इसको यहीं रख दो बेचारे को, आगे किसको लेके चलेंगे, 0.022 को लेके चलेंगे, 0.022 को लेके गया, 4 को यहां पे रख रखा है प्लस, अब क्या किया, 22 है ना, तो 22 को 22 भाई, पूरा नंबर क्या है, एक तरीके का 22 ही तो है, 0.22 लिख दो, 22 लिख दो बात बराबर, ठीक है। अब इसमें से मैंने 22 को ढक दिया, क्योंकि जिसके ऊपर बार है उसको ढक दिया, बचा कौन 0, तो 0 माइनस कर दो अपॉन, अब क्या आएगा, 2 9 देके जाएगा भाई, अंक 2 हैं और इसके आगे एक अंक खाली बैठा है 0, लेकिन वो भी 0 लेगा, वो क्यों छोड़ेगा 0 भाई, वो 0 लेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 4+22/990, ठीक है, मैं 11 से काटूंगा, 11 2 22 11, ये आ जाएगा 11 9 90, है ना, तो ये हो जाएगा 11 9 99 2/90, तो 4 सही 2/90 आपका इसका आंसर हो जाएगा। सबका आंसर आया क्या, जी हाँ, तो 4 सही 2/90 होगा, ठीक है जी हाँ, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं, सही लग रहा है सब कुछ मेरे को, सबको समझ में आ रहा है, जी हाँ सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है सब कुछ जी। अब हम बढ़ते हैं, एक और प्रश्न देता हूं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी प्रॉपर हो जाए, एक और प्रश्न लीजिए, उसको भी करना है जल्दी से, है ना, 4.649 का बार, चलिए जल्दी से करिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जल्दी से करिएगा, 4.649 पे बार है, जल्दी से करिए, मैं आंसर का वेट कर रहा हूं, है ना, हाँ बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे, इस 4 को लफड़े में नहीं घसीटेंगे, इसको घसीटेंगे, इस पे क्या है, मैंने 649 का 649 रख दिया, अब माइनस क्या करूंगा मैं भाई, माइनस मैंने ये ढका तो 6 ही तो बचा, तो 6 माइनस कर दूंगा, अपॉन में क्या आएगा, टोपी किसने रख रखी है, 2 अंकों ने, तो 2 9 लगा दो, और बचा कौन है, अकेला एक अंक बचा है, वो 0 देके जाएगा, तो 4+ ये आ गया भाई, 4 तो प्लस में होगा ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 6 4 49 में से 6 गए तो 43/990, तो इसका क्या बन जाएगा, 4 सही 643/990, ये आपका आंसर आ जाएगा, 4 सही 600। वाह यार बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है, सबने आंसर दे दिया सही तरीके से, बहुत बढ़िया गाइस, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। चलिए अब रेलवे का क्वेश्चन ले लेते हैं, कि रेलवे में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था, उसका प्रश्न का आंसर दीजिए आप,
रेलवे का प्रश्न इस प्रकार था, 0.47777 इसको दिया कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन विल बी मतलब भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या होगी मतलब दशमलव को भिन्न में बदलो। अब ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दे दिया 477/10,000, ऑप्शन नंबर बी दे दिया 477/100, ऑप्शन नंबर सी दे दिया, ऑप्शन नंबर सी दे दिया 437/100, ऑप्शन नंबर डी दे दिया 43/90। आप जल्दी से बताओगे और मैं कहूंगा कि आप पता है बहुत जल्दी बता दोगे। चलिए तैतालीस बटे नब्बे, बहुत बढ़िया, देखिए कितनी जल्दी आंसर आ गया। और एक ट्रिक क्या थी हमारे पास कि भाई नीचे 9 दे के जाएगा, तो ये है क्या असली में, ये क्या है, मिश्रित भिन्नी तो है ना, तो 4.47 का बार है, यही तो है। अब क्या किया मैंने क्या किया, इसको कैसे देखूंगा मैं, अब मैंने देखा 0.07 तो मैं क्या करूंगा 47 लिख दूंगा पहले, तो अब क्या माइनस होगा, मैंने इसको ढका तो बचा क्या 4 माइनस कर दिया मैंने, अपॉन 7 के ऊपर बार है तो ये 9 दे के जाएगा और ये 0 दे के जाएगा, तो कितना आ गया 43/90 आ गया। ठीक है, तो ये आपका रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, आरआरबी में पूछा गया प्रश्न, सबके आंसर आ गए, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो भी देख लेते हैं, और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से करना है और क्या आप जल्दी कर पा रहे हैं, सीख रहे हैं आप, तो हाँ बताइएगा मुझे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। तो ये देखिए ये प्रश्न पूछा गया था और मुझे पता है आप चुटकियों में कर दोगे उसका हल, 2341। अब ये किसके ऊपर है, हाँ इसके ऊपर बार है 341 के ऊपर, ठीक है कंफ्यूज मत होना, 341 के ऊपर बार है, का पी वाई फ्रैक्शन में किया, इसका भिन्न निकालना है, ऑप्शन दे देता हूँ आपको मैं, 781/3330, ठीक है बी ऑप्शन हो जाएगा 1171/49, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2341/90 और 990, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2339/9990। अब आंसर दीजिए, चलिए बहुत बढ़िया, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, करीबन 3500 लोग देख रहे हैं तो एक साथ लाइक बनता है गाइस, अगर मजा आ रहा है तो। अभी तो ट्रिक बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन की, तो कहीं कोई जाएगा नहीं, बस कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है क्लास छोड़कर, बस यही मैं कहूंगा कि आज मजा आ जाएगा क्लास में, और फिर रोज मजे करते हैं अपन तो पता है, शायरी वायरी चलती रहती है और मस्ती से पढ़ो यार, क्लास ले रहे हो कोई जान थोड़ी ले रहे हैं किसी की, तो बस सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आप रोज देख पाओ मेरी क्लास, ऐसे सब्सक्राइब होता है, बटन दबाया और बेल आइकन दबा दिया जिससे कि 5 बजे आप मेरे पास आ जाओ। चलिए आंसर मेरे पास आ गया डी, अब बताइए सबका आंसर आ गया है ना, कोई बात नहीं सबका आंसर आ गया, डी आंसर आ गया, कैसे आया तो क्या करना है करके बताऊंगा भाई। देखिए ये पूरा नंबर है तो मैंने इसको पूरा का पूरा ऐसे ही उतार दो भाई, जो नंबर है ना आंख नीचे पहले नंबर उतारो, अब क्या करना है जिसके ऊपर टोपी है ना उसको ऐसे ढक दो, ढक दिया तो बचा क्या 2 बचा तो -2 कर दो बस, आपको क्या करना है कुछ नहीं करना। अब कितने के ऊपर बार था, 3 अंक के ऊपर बार था तो 3-9 दे दो, अब 3-9 दे दिया, ये बेचारा अकेला कहेगा मुझे 0 तो दे दो, तो 0 दे दिया इसको मैंने, तो क्या आ जाएगा 2339/9990। ठीक है लो ये आंसर आ गया, अब ये कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है, चलिए सही है सही है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ कि क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है तो आप सब तैयार रहे, अब मैं प्रश्न कराने वाला हूं फिर ट्रिक को पढ़ेंगे, फिर ट्रिक पढ़ने वाले हैं, प्रश्न करके ट्रिक पढ़ने वाले हैं। देखिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, 0.006 का फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन विल बी, ठीक है फ्रैक्शन विल बी भिन्न ज्ञात करो, ये आरआरबी के क्वेश्चन है भाई है ना, कोई ऐसे नहीं है, आरआरबी के क्वेश्चन है, ऑप्शन दे देता हूं, ए 2/2000, ऑप्शन नंबर बी 3/500, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका 5/1000, ऑप्शन नंबर डी हो गया 6/10,000। चलिए ये प्रश्न है जल्दी से आंसर दीजिए,
ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं आपको आज क्वेश्चन भी करा रहा हूं साथ के साथ ही, क्योंकि कल स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर क्वेश्चन कराइए। देखिए अभी भी गलत आंसर आ रहा है, तो यही तो बात है कि हम कितना पढ़ लें लेकिन हमारी चीजें गलत हो जाती हैं, है ना। कैसे करना है, कैसे करना है देखिए, पॉइंट 0.006 है ना, यही है ना, मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट हटा दिया तो कितने छोड़ के पॉइंट था, एक दो तीन छोड़ के पॉइंट था, तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, एक दो तीन जीरो आ जाएंगी, तो 6/1000, 6/1000 कोई ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मैंने इसको दो से काटा, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, तो 3/500 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चीज समझ में आ रही है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, 3/500, 3/500 ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया सबका, कैसे किया, पॉइंट हटाया, तीन छोड़ के पॉइंट था, नीचे 1000 लगा दिया, ये तो आता ही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न देखें आप सब, अगला प्रश्न देखें और देखिए अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते चलें करीबन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या आया था, क्वेश्चन ये था, भाग का क्वेश्चन था, 8.1 × 4.5, जल्दी से मान निकालो, ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है, ऑप्शन है 18, 19, C 20 और D आ गया 30। चलिए आंसर दीजिए सब लोग, जल्दी से सारे स्टूडेंट्स मेरे आंसर दें, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन वही करा रहा हूं जो रेलवे में पूछे जाते हैं, जल्दी से, बहुत बढ़िया। देखिए कैसे करना है, 8.1 है तो इसको ऐसे लिख दो और 4.5 को ऐसे लिख दो। अब मैंने क्या बताया था कि 4.5 है ना, तो इसको आप 4.5 है, कितना है, 9/2 ही तो है, 9/2, तो 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 यहां चला गया, ठीक है। अब इसको 9/2 लिख दिया, अब मैंने 9 से ये पॉइंट हटाया और एक जीरो में यहां पे लेके आ गया, ठीक है, 9 से मैंने ये काटा 9 बार, 9 × 81, ठीक है, 2 से मैंने काटा ये 5 बार, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया भाई, देखिए 0.45 है ना, 0.45 है, देखिए प्रश्न देखिए, ये है आपका 0.45, ठीक है, यहां से जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 9/5, पहले वाले से क्या आ रहा था, 9/5 आंसर आएगा, पहले वाले का 9/5। अब इस वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए, इस वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए, पहले वाले का आ रहा था 9/5, ये सही है। अब इस वाले प्रश्न के ये ऑप्शंस हैं, चलिए पहले वाला का 9/5 है, समझ में आ गया, वो 4.5 था, अब मैंने 0.45 लिख दिया, अब इसका दीजिए आंसर, अब मैंने क्या लिखा है, 0.45 लिखा है, चलिए बहुत बढ़िया, 9/5 सबका आ रहा है, अच्छी बात है, चलिएगा तो भाई साहब मजा आ जाएगा। चलिए अब आ गया सबके समझ में, हाँ, तो सीधी सी बात है, इसको करना है 8.1/0.45, यही तो है। अब पहले आप एक एक करके पॉइंट हटाइए, मैंने इसका पॉइंट हटाया तो 2 जीरो, भाई 2 छोड़ के पॉइंट है तो 2 जीरो ऊपर चली जाएंगी, तो यहां पे 100 का गुणा हो गया, भाई सही है ना, और एक पॉइंट मैंने इसका हटाया, ये 1 छोड़ के था तो 1 जीरो यहां चली जाएगी, ठीक है। अब ये मेरे पास कितना हो गया, 45 हो गया, ये 81 हो गया, 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काट दी, मैंने 9 से काटा, 9/45, 9 × 81, 5 से मैंने काटा ये 2 बार, और 9 × 2 करूंगा तो 18 आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा इसका, ए आंसर आ जाएगा। चीज समझ में आई, मैं एक एक स्टेप को समझाते चल रहा हूं, 3600 बच्चे करीब देख रहे हैं, तो सारे के सारे लाइक करें एक साथ, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, रोज 5 बजे क्लास आती है आपके सामने, रोज 5 बजे, ठीक है। चलिएगा तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये आपके लिए है, देखिए 17.28/24, इसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन ये है 17.28/24, ऑप्शन दे रहा हूं आपके लिए 0.62, ऑप्शन नंबर बी है 0.82, ऑप्शन नंबर सी है 0.5582 एंड ऑप्शन नंबर डी 0.72। चलिएगा प्रश्न का आंसर दीजिए सब लोग, जल्दी से आंसर दीजिए। चल चलो चलो जल्दी चलो जल्दी से आंसर दो सब, आंसर आ गया किसी का, कैसे करना है ये प्रश्न, हमें नहीं पता सर कैसे होगा। अब मैं आपको है ना डिविजिबिलिटी रूल सिखाऊंगा, बड़े बड़े नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे, पता ही नहीं अभी तक बच्चों को कि क्या सर ये किससे डिवाइड होगा, वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन टाइम लगेगा दोस्तों, है ना। पहले पॉइंट हटाया मैंने, तो पॉइंट हटाया, 2 छोड़ के पॉइंट है तो नीचे 100 ले आया, चीज समझ में आ गई। अब मुझे पता है कि भाई 24 से काटना पड़ेगा मेरे को, अब पता नहीं 1728 किससे कटेगा, नहीं पता ना,
कैसे करता है मैं बताता हूँ। अगर पिछले वाले दो अंक चार से विभाजित हों, पिछले वाले दो अंक चार से विभाजित हों, डिवाइड हों, तो वो संख्या चार से विभाजित होती है। ये आपका रूल है, ठीक है। रूल क्या है कि अगर पिछले वाले दो अंक, पिछले वाले दो डिजिट चार से विभाजित हों, तो वो संख्या चार से विभाजित होती है। हमेशा देख लेना, चाहे कितने भी बड़े नंबर ले लेना। तो मेरे दिमाग में ये डिविजिबिलिटी रूल आया, मैंने चार से ये छह बार काटा, और मैंने चार से काटा, ये चार चौक सोलह, एक आया बारह बना, चार तिया बारह और चार दुनिया आठ, ठीक है। अब मैंने छह से देखा, छह से मैंने काटा, छह चौक चौबीस, छह पैंतीस, छचंगा छत्तीस, और ये आया बहत्तर, और क्या कहते हैं छत्तीस आया। तो मेरे पास कितना बचा, छत्तीस, चार और दो छह। देखिए मैंने छह से भाग दिया, छचंगा छत्तीस, उसके बाद मेरे पास चार और दो छह बचा है ना, तो मेरे पास देखिए कितना आंसर आ जाएगा, डी आंसर सबका आ गया। तो मैं इसको भाग करूंगा, छह को मैं फैक्टर कर लूंगा, छह को फैक्टर कर लिए मैंने दो गुणा तीन, क्योंकि अगर आप छह का भाग नहीं दे पाएंगे तो भी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप छह का भाग आसानी से दे सकते हैं, तो दो से काटना और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, दो दुनी चार, दो एक कम गए, दो छिक्की बारह, तीन से मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास आ जाएगा तीन सात इक्कीस, तीन दुनी छह बहत्तर, और बटे दो सौ है ना, तो पॉइंट बहत्तर आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर इतना आसान क्यों पढ़ा रहे हो। भाई आसान नहीं है कुछ भी, फिर भी गलत आते हैं ये क्वेश्चन, आरआरबी में पूछे जाते हैं, वही तो मैं कराऊंगा यार, कैसे कराऊं बताओ आपको, और ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न पे ध्यान दें, अगला प्रश्न पे ध्यान दें। क्वेश्चन इस प्रकार है, एक्स बटे 0.0025 बराबर 800 दे रखा है, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, x का मान निकालो। ऑप्शन दे देता हूं, एक, ऑप्शन बी है दो, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 0.2। चलिए इसका आंसर दें सब लोग एक साथ मिलके, इसका आंसर दें। चलिए चलिएगा दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर दें। अब यार देखिए, जहां पे पॉजिटिविटी होती है वहां नेगेटिविटी जरूर होती है ना, तो उन चीजों को इग्नोर करें। मैं दोस्तों मैं पढ़ाने आता हूं, मैं वही तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, बेस्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब आपको पता है वज्र गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स वज्र गुणा करोगे तो 800 × 0.0025 है, ठीक है। पॉइंट को मैंने हटाया तो मैं नीचे चार, भाई चार छोड़ के पॉइंट है ना, तो चार जीरो लगा दूंगा, दो जीरो से दो जीरो चली गई, 25 से ये चार बार चला गया और चार से ये दो बार चला गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दो आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा आपका, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, b। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा इसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए तो आप है ना, गलत कमेंटों से बिल्कुल भी इफेक्ट ना हो, मैं खुद ही नहीं होता। सोचो इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, करीबन 3600 बच्चे पढ़ रहे हैं यहां पे, है ना। तो दोस्तों ऐसे अगर सोचने लग गए तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, सीधे अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं सीधी ट्रिक्स पे, ट्रिक का समय हो चुका है, अब आपके सामने ट्रिक रख रहा हूं। चलिए ये एक प्रश्न आ गया आपके सामने, 598 × 9999। अब कल स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप सिर्फ 999 से गुणा कर रहे थे, 999 से गुणा कर रहे थे। चलिए अब मैंने आपसे कहा है कि अब लीजिए एक और 9 बढ़ा लीजिए, क्या जा रहा है, लेकिन ये 9 के लिए ही है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा आपसे कि एक 9 और बढ़ा लिया मैंने, कोई दिक्कत है। अब आप कहोगे कि सर पहले तो हमारे पास बराबर थे तो हम घटा लेते थे, अब क्या करेंगे। तो मैं कहूंगा भाई जीरो लगा लो, जीरो तो अपने घर की है, कभी भी लगा लो संख्या के आगे, तो ठीक है। चलिए तो मैंने क्या किया, जीरो लगा लिया, माइनस एक कर दिया, तो कितना आया मेरे पास, 0, 5, 9, 7 आ गया। अब 9 में से जीरो चले जाएंगे, भाई पहले कुछ घटाने को नहीं था ना इस वाले 9 के पास, क्योंकि हम ऐसे ऐसे घटाते हैं। अब इस वाले ये 4 हो गए, ये 3 हो गए, तो मैंने इसको 4 कर लिया, बराबर कर लिया, क्या जा रहा था। तो 9 में से जीरो गए तो 9,
9 में से 5 गए तो 4 और 9 में से 7 गए तो 2, ये आपका आंसर आ गया। तो 597 में 942 आंसर आ गया भाई, सॉरी 9 में से 9 गए तो 0, देखिए 9 में से 9 गए तो 9 में से 0 गए तो 9 और 9 में से 9 0 गए तो 9, 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 9 गए तो 0, ये आ जाएगा 402। तो 597 में 9 402 आंसर आ जाएगा। जी हाँ, गलती बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, ठीक है गाइस। जी हाँ, ये गुप्ता जी हैं, एक और बोल रहे इतना इजी नहीं आता। भाई आप पेपर बना रहे हो तो हमें भी क्वेश्चन भेज देना भाई दोस्त। ये जो कह रहे हैं कि सर इतना इजी नहीं आता, भाई ट्रिक है ये, तो इतना इजी क्वेश्चन आरआरबी के ही पढ़ा रहा हूं आपको, और कहीं से नहीं ला रहा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं, उसको करें जल्दी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, देखिए 687 गुणा 9999। अब वही बात है, अब यहां भाई साहब फिर से यहां पे 3 अंक है 4 अंक है, जल्दी से आंसर दें सब लोग एक साथ, ठीक है। दोबारा समझ में आ जाएगा, दोबारा बताऊंगा, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या करना है भाई, बराबर कर दो पहले, तो मैंने इसको जीरो कर दिया, बराबर बराबर हो गए, चार चार करना था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, माइनस एक करते हैं, तो मैंने माइनस एक कर दिया, तो कितना आया 0 6 8 6 आ गया। अब क्या करना है, 9 में से 0 गए तो 9, 9 में से 6 गए तो, मतलब इस 9 में से ये 0 घटाना है, इस 9 में से 6 घटाना है, तो कितना आ जाएगा 3, 9 में से 8 गया तो 1 और 9 में से 6 गए तो 3। अब कैलकुलेटर से करके देख लो, चाहे अब कैलकुलेटर से करके देख लो, चाहे कितने भी बच्चे कुछ भी करके देख लो, लेकिन अब लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ये आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि रोज ऐसी ही ट्रिक बताता हूं, तो ऐसे आप सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, अब ये आपका आपके लिए है अगला प्रश्न, ठीक है, आपके लिए है अगला प्रश्न। ये देखिए मैंने कर दिया 5987 कर दिया और गुणा 999 कर दिया। अब बात उल्टी हो गई है, बात पलट गई है, बात पलट कैसे गई है ये ध्यान से सुनो, ये एक अच्छा टाइप है, ठीक है। अब क्या हो गया, पहले तो हमारे दोनों बराबर थे, अब मैंने बराबर करने के लिए यहां पे लगा दिया, लेकिन अब यहां पे ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, अब क्या करेंगे सर, आपको कुछ नहीं करना, यहां भी 0 लगा देनी है, ठीक है, चीज समझ में आई, वही स्टेप फॉलो करना है। माइनस 1 किया, 5 9 8 6, यहां तक समझ में आ गया सबके, यहां तक सबके क्लियर है, यहां तक सबके क्लियर हो गया। चलिए अब आपको ये मैं बता दूं, हम क्या करते थे कि यहां 9 में से घटाते थे, लेकिन भाई इसकी तो जिंदगी खराब हो गई ना, जिंदगी ये बताइए, अगर यहां पे एक 9 नहीं था कोई नहीं बचा है ना, 5 की तो जिंदगी खराब हुई, तो अब इसकी जिंदगी खराब हो गई, अब क्या करेगा ये, कुछ भी नहीं करेगा, बस ये जो 5 भाई जिंदगी किसकी खराब हुई, इस 5 की हुई, इस 5 को बस यहां रख दो आप घटाने के लिए, बस यहां तो रहेगा, यहां भी रख दो, बाकी अब इनकी तो लाइफ सेट है, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 8 गए तो 1 और 9 में से 6 गए तो 3। अब क्या करना है भाई, 0 1 3 तो यहां पे आए, 6 में से 5 गए तो 1 8 9 5, यही आपका आंसर आ गया। 598 में 1013, चीज समझ में आई, गॉट इट, हाँ, कैसे हुआ, दोबारा बताऊंगा, ऐसे ही क्वेश्चन एक और करना है आपको अभी, ठीक है। पहले मैंने क्या देखा कि भाई यहां तो जब बराबर हो रहे थे, 9 तो पूरे थे अपने पास, 9 इसे तो घटाते हैं, जब 9 ही अधूरे रह गए, 9 ही पूरे नहीं हो पाए, तो मैंने क्या किया, 0 तो लगा दिया। अब जिंदगी इसमें से किसकी खराब हुई, सब में से 5 की तो हुई, ठीक है, तो 5 ने सोचा भाई मैं घटी जाता हूं, माइनस 1 किया तो 5 और घटा दिया इस वाले डिजिट में से, ठीक है, मैंने घटा दिया तो मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न से भी समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगला प्रश्न लीजिए, आपके लिए अगला प्रश्न इस प्रकार है। ये देखिए मैंने ये संख्या ली 3942 गुणा 999। अब चलिए इसको करिए, 3942 गुणा 999 करिए, और क्या करना है जल्दी से इसका आंसर दीजिए पहले। मनमोहन गुप्ता पकड़ में आ गए, मनमोहन जी आपका नाम ही देख रहा था मैं यार, चलेगा।
चलिए दोस्तों, अब आपके सामने ये है, क्या है, मैंने जीरो लगा दिया यहां पे, अब माइनस वन कर दो भाई, जो करना है वो तो करना है ना, माइनस वन किया तो यहां कितना आया, 3941 आ गया। चीज समझना, बहुत शानदार चीज है। अब ये बताइए, यहां पे एक नौ कम पड़ रहा है, वो किसकी जिंदगी खराब कर रहा है, इस तीन की कर रहा है ना, तीन को यहां घटाना है आपको, बाकी कितना है, नौ में से नौ गए तो जीरो, नौ में से चार गए तो पांच, और नौ में से एक गए तो आठ। अब यहां तक तो ठीक है सब कुछ, यहां तक ठीक है। अब क्या है, यहां से एक हासिल ले लो भाई, एक में से तीन तो जाता नहीं है ना भाई, यहां से मैंने एक हासिल ले ली, ग्यारह में से तीन गए तो कितने बचेंगे आपके पास, आठ बचेंगे, यहां तीन रह गए, नौ तीन जीरो पांच आठ, ये आपका आंसर हो गया, 3 9 3 0 5 8, ये आपका आंसर हो गया। बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ गए, समझ में आ गया। अब एक और प्रश्न दे रहा हूं आपको, चलिएगा एक और प्रश्न दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 44 57 मैंने लिया और मैंने इसका गुणा किया 99 से, ठीक है, मैंने इसका गुणा किससे किया, 99 से किया, जल्दी से करिए मेरे दोस्तों, सब इसका गुणा करिए, हाँ धीरे धीरे सारी ट्रिक्स पे आएंगे, धीरे धीरे सारी ट्रिक्स पे आएंगे मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब चीजें समझ में आएंगी। हाँ चलिए, ये है, अब कहा क्या बात हुई भाई, यहां पे चार और सिर्फ दोनों रह गए, अब मैंने दो जीरो और लगा दिया भाई, इनकी भी तो जिंदगी बनानी है, जिंदगी खराब हो रही है इनकी, किनकी हो रही है, अब चार चार अधूरे रह गए थे, तो हमने क्या किया, माइनस वन तो किया ही किया, तो 44 96 यहां पे आ गया मेरे पास भाई, माइनस वन करने पर आ गया। अब किसकी जिंदगी खराब हुई, इन दोनों की तो हुई, क्योंकि उनके लिए नौ नहीं है, इन दोनों के लिए नौ नहीं है ना, तो क्या करूंगा मैं, 44 माइनस कर दूंगा, बाकी इस नौ से तो ये नौ घटाऊंगा तो जीरो आ जाएगा, इस नौ से ये छह घटाऊंगा तो तीन आ जाएगा, तो मैंने इसको घटाया, 3 0 6 में से चार गए तो दो, नौ में से चार गए तो पांच, 44 52 03 44 52 03, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं, देखिए मजा आ रहा है ना, तो सब लाइक करें दोस्तों तभी अच्छा लगेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तुरंत, बस इस बेल आइकन पे क्लिक करना है और सब्सक्राइब का बटन दबाना है, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और शाम को 5 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, क्योंकि अब रेलवे दूर नहीं है, अब रेलवे दूर नहीं है, अब मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, चलिए अब मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, उस होमवर्क के प्रश्न मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना वीडियो खत्म होने के बाद में, चलिएगा। ये होमवर्क इस प्रकार है, 45 897 × 999, बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे होगे आप, कैलकुलेटर से भी तेज कर पाओगे, ठीक है, ये देखिए। अब अगला प्रश्न ले लीजिए, 55 68 × 999, और लीजिए 6 3 9 8, घबराना नहीं है इन डिजिट से, ठीक है, इन डिजिट से घबराना नहीं है, सर आपने क्या दे दिया, ठीक है, लेकिन ये करके देखना, कल मैं फिर बताऊंगा और इसी ट्रिक से करेंगे अपन, ठीक है गाइस, चलिए। हाँ मजा आ रहा है ना, तो सब लाइक करें एक साथ, अच्छा लगा है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें मेरे दोस्तों, बिल्कुल भी ना, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए है, जिससे कि आप हमारी क्लास का इंटीमेशन ले सकें, नोटिफिकेशन ले सकें, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराएंगे हम, ठीक है, तो इसलिए शेयर करें वीडियो को जहां पे आपको करना है, हर जगह शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, यही आपका काम है, बाकी पढ़ाना हमारा काम है और पढ़ना आपका है, ठीक है गाइस, चलिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो सबके सब, सब कुछ सही चल रहा है, मज़ा आ रहा नहीं आ रहा, साहिल सर को तो पूरा पूरा मज़ा आ रहा है, साहिल सर आओ ना इधर आओ। देखो दोस्तों, फाइनली अपना लखनऊ का कंफर्मेशन लखनऊ मीटअप के बारे में आपको पता होगा कि वाईफाई सी टीम ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, आज वेनसडे हो चुका है, सिर्फ दो दिन बाकी रह गए हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को दोपहर 2 बजे वाईफाई सिटी की पूरी टीम आपसे मिलने वाली है, और ऑडिटोरियम आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, रविंद्रालय ऑडिटोरियम है जहाँ पे अपन पूरी टीम वाईफाई सी टीम आपसे मिलने वाली है, दोपहर 2 बजे से अपना कार्यक्रम स्टार्ट होगा, और सबसे बड़ी बात 2:15 बजे से अपन लाइव करने वाले हैं,
सबके सब 2 बजे तो लखनऊ के आसपास एरिया में है, सबके सब आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। 2:15 बजे से अपना इवेंट लाइव होने वाला है। तो दोस्तों बहुत बड़ी आपके लिए खुशी की बात होगी, सारी टीम वहाँ पे होगी, पूरी टीम वाईफाई की पूरी टीम वहाँ पे होगी। एक बार फिर आप जैसे कल परसों डांस की वीडियो में देखा था ना हमने पूरी टीम को एक साथ में, तो इसी टाइप से एक बार फिर पूरी टीम आपके लिए धमाका करने के लिए वहाँ पे लखनऊ मीटअप में आने वाली है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि क्या करने वाले हैं अपन, जो जैसे आप देख पा रहे हो ना इधर 1 मिलियन वाली चीज, अपन फटाफट से सब्सक्राइब करो, अपने को देखो फटाफट कितने 9:55 पे तो पहुंच गए हैं, फटाफट 1 मिलियन हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। यदि आप करोगे तो क्यों नहीं होगा यार, क्या नाम आपका अपना चैनल है, एक एक दोस्त को पकड़ पकड़ के 10-10 हर एक बंदा 10-10 दोस्तों को पकड़ के सब्सक्राइब करवाएगा और बाकायदा वीडियो के नीचे कमेंट करके बोलेगा कि हाँ भाई मैंने इतने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा दिया है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है 1 मिलियन सब्सक्राइबर, देखो अपने को 1 मिलियन सेलिब्रेशन करना है और हम चाहते हैं कि अपन साथ मिलके करें। अब रोज़ तो ऐसे दिन आते नहीं है, वहाँ पे पहले पूरा ऑडिटोरियम बुक कर रखा है, सारा सिस्टम लाइव करने वाले हैं। यदि उसी दिन यदि 1 मिलियन होते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, समझ रहे हो ना, ये आप लोगों के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, डांस वांस गाने वाने सब कुछ, बहुत शायरी वायरी, मतलब बहुत एक से बढ़कर एक लाइन लगने वाली है। आप बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ आपको, तो एक एक बंदा सब्सक्राइब कर लो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर एक बंदा 10-10 दोस्तों से शेयर करवाएगा, सब्सक्राइब करवाएगा, तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखें। बाकी फिर अपन 1 मिलियन सेलिब्रेट करने वाले साथ में मिलके, ठीक है दोस्तों, बाय बाय गाइस। आई होप आपको एक क्लास अच्छी लगी होगी, बस आपसे यही विनती है कि सब कुछ आपके लिए ही हो रहा है, और ये जब आपके लिए हो रहा है तो बस आपको जो करना है, हम बार बार कहते हैं उस चीज को कहलवा के करवाना पड़ता है, जिस तरीके से पढ़वाना पड़ता है। काफी सारे दोस्त बोल रहे हैं टेक्निकल क्लासेस, अरे यार मैं बोल रहा हूँ कि टेंशन मत लो, टेक्निकल के लिए भी मैं प्लान कर रहा हूँ, अभी बात चल रही थी, इंटरव्यू चल रहे हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इस बार जब टेक्निकल क्लास स्टार्ट होगी ना तो मजा आ जाएगा, समझ रहे हो ना बात को, पिछली बार थोड़ा मजा नहीं आया था, मेरे को मजा नहीं आया था, फील नहीं आई थी, इसलिए बार अब मैं बोल रहा हूँ कि थोड़े दिन रुक जाओ, सांस ले लो, ठंड रखो, टेक्निकल क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। अभी के लिए फिलहाल सब्सक्राइब करो और 1 मिलियन सेलिब्रेशन करते हैं लाइव, दोस्तों से करवाओ, ठीक है, समझ गए ना पूरी बात को, और टेक्निकल क्लासेस पक्का लेके आएगा, मैंने बोल दिया ना, तो टेक्निकल क्लासेस आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, फिलहाल जो चल रहा है उसको अच्छे से एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ाई करो मस्त होके, ठीक है, ओके गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे back-to-back classes live from studio